ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया देख रहे हैं यार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग जो कि 13 और राजस्थान के जयपुर से हम हैं इस ब्लॉग में साथ, जहां हम देख रहे हैं आज हवा महल। और हवा महल जब हम पहुंचे तो थोड़ा थक गए थे, एक होटल में रूम लिया और हमारी बिटिया ने पोज दिया, थोड़ी देर हमने आराम किया क्योंकि मैंने गाड़ी चलाई थी पूरे वक्त, इसलिए मुझे तो लेटना था। लेकिन मेरी बिटिया को भूख लग रही थी, उसने बिंदास खाना खाया और मेरी दूसरी बिटिया ने खूब एंजॉय किया। भाई मैं लेटा था लेकिन खाना तो खाना ही पड़ता है, तो मेरी बिटिया ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना परोसा और उसने पापा को खिलाया। अगले दिन सुबह का सीन है, मेरी बिटिया ने पूरे बिस्किट फैला दिए, एक खाया है बस। हम चल पड़े अपनी यात्रा पर जो आज हवा महल पर खत्म होगी। और इसका निर्माण जो लिखा है 1799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था और लाल चंद उस्ताद नाम के वास्तुकार ने इसको डिजाइन किया था। भाई नाम में ही लाल है। और जब आप जयपुर आएंगे तो ये पिंक सिटी के नाम से विख्यात है क्योंकि इसमें पत्थरों, लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। और हवा महल का डिजाइन भगवान कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है, मतलब जिस तरह से उनका मुकुट है ठीक उसी तरीके से हवा महल को बनाया गया है। और शाही महिलाओं के लिए इसको बनवाया गया था, यानी कि जो रानियां हुआ करती होंगी उनके लिए इस महल का निर्माण कराया गया। हम रास्ते में जा रहे हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊपर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर, यहाँ इतनी शानदार हवा चल रही थी, 953 खिड़कियां हैं और इसको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा बनाया गया है। और खिड़कियों में से इतनी अधिक मात्रा में हवा आती है महल, इस कारण इसको राजा द्वारा नाम दिया गया। श्री कृष्ण भगवान को समर्पित महल बनाया गया था और इसमें कहा जाता है कि झरोखे जो राजपूताना और मुगल रानियों के लिए बने मिश्रण है। जब आप यहाँ रानी है देखेंगे बैठ के धर्म और बाहर देख सकती थी, बाहर से उनको कोई नहीं देख सकता था, तो पर्दा के लिए सिस्टम था कि पर्दा भी ना लगाना पड़े और पर्दा भी हो कठोर। रानियां अमूमन यहाँ से खिड़कियों से, ये आप देखोगे इसकी संरचना में लिखा है इतनी खिड़कियां, यहाँ से बाहर रोड का नजारा देखती थी, खिड़की खोलती थी और बाहर का नजारा दिख जाता था। छोटी छोटी सी खिड़कियां और ऊपर भी आपको दिखाएंगे अभी, ये देखिए बाहर का नजारा हम दिखाते हैं। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, ये लीजिए बाहर खिड़की से अपन ने रोड देख ली। काफी सैलानी यहाँ आते हैं, पिंक सिटी बाजार में स्थित है। और ये जो कलाकारी है ये कोई साधारण नहीं है, जब आप यहाँ पहुंचोगे तो आप इस बात को महसूस कर पाओगे। ये बलुआ पत्थर से बना हुआ स्मारक है और जैसा मैंने बताया जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कृष्ण के मुकुट के समान ही इसकी डिजाइन बहुत ऊपर आ चुके हैं। ये ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से सारी दुनिया। मेरी बिटिया, नादान बिटिया, कितना सुंदर विहंगम दृश्य। मुझे लगता है मेरी अभी तक की यात्रा में ये नाहरगढ़ का किला यहाँ से नजर आता है जहां हम जाने वाले हैं। नाहरगढ़ का किला हम जाने वाले हैं और इतनी जगह है राजस्थान में घूमने के लिए, फोटो क्लिक कराया हमने। मेरी बिटिया, ये जो रास्ता है ऊपर से नीचे आने वाला इतना सकरा है कि जब यहाँ से दो ये महिलाएं आईं तो मेरी बिटिया को स्पाइडरमैन बनना पड़ा क्योंकि इन महिलाओं ने जो जगह घेरी है वो मेरी बेटी जानती है, वो कैसे चुपके खड़ी रही। फिर उसने बोला कि अब जा सकते हैं, मैंने बोला जाओ। ऊपर से देखने में बहुत बहुत अद्भुत नजारा है, कभी कभी ऐसा लगता है इतनी अद्भुत सोच कैसे आई होगी, कहाँ से आई होगी। नीचे जाना, ऊपर जाना, ये नीचे के लिए साधारण सीढ़ियां नहीं है, अगर आप लेट के सीधे जाओगे ढरकते हुए डायरेक्ट नीचे पहुंच जाओगे। मेरी बिटिया बहुत बहुत खुशी से आनंद ले रही है, सबसे ज्यादा एंजॉय हमारी बिटियाओं ने किया खूब सारा। ये छोटे छोटे रोशनदान जिनसे हवा इस महल में आती है,
और जब आप अपने परिवार के साथ या फैमिली के साथ आओ तो उसका एक आनंद होता है मेरे लिए। हाँ चलते हैं, ये विहंगम दृश्य ब्लॉग का एक बहुत बड़ा तात्पर्य ये है कि हमारी यादें में संजोके हम बच पाए, दूसरा इन जगहों पर जाने पर एक अलग ही कैसा लग रहा है, एक अलग ही जिंदगी में रहते हैं, कैसा लग रहा है, सारी दुनिया भूल जाते हैं। मुझे लगता है इसके ना चाल लियो कभी हम लोगों को कैसा लग रहा है, बाहर घूमने जाना चाहिए, अच्छा लग रहा है भाई। ये इसको मैंने भी कैसा लग रहा है, छोटी सी यात्रा है, मेरी बुढ़िया हमारी मैडम हैंडल कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ भाई ये है बड़ी अच्छी आवाज, ये कभी नहीं रुई पूरे रास्ते में, पूरी यात्रा में इसने एंजॉय किया, दोनों ने खूब एंजॉय किया, उसको लग रहा होगा हम चार लोगों के साथ फाइनली हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आना अब कैसे लगता है, आसमान से सीधे जमीन पर आप आ रहे हैं, जगह जगह ऐसे गाने चल रहे थे, ये हजार साल पहले की संग्रहालय में मौजूद थी, एंजल बहुत और लोग आप लग रहे हो, एक फोटो सेशन होना बहुत था सही, हमारी बिटिया की बहुत सुंदर आओ कि वो राजस्थानी लिबास पहने, उसने राजस्थानी लिबास पहने यादों के लिए, हालांकि गर्मी ज़्यादा थी तो वो थोड़ी देर में ऊब गई, जल्दी जल्दी से उसने अपने सीन दिए, और अब जब यहाँ जाओगे तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपकी खुद के कैमरे से फ़ोटो खींचने के पैसे लेंगे, और वो आपको ये कहेंगे कि इसमें पूरा फोटो आएगा, यहाँ जो आपको ऑटो वाले मिलते हैं जो आपको ऑटो रिक्शा वाले मिलते हैं वो आपको ज़्यादा पैसे मांगते हैं, तो जब भी आप किसी ऑटो रिक्शा को करें तो समझदारी से करें, हम तो गाड़ी की थैंक यू सो मच।